हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन कोमल अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे जीरो कैलोरी फूड और नेगेटिव कैलोरी फूड। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो कैलोरी फूड क्या होता है। तो जीरो कैलोरी फूड का मतलब ये नहीं है कि उस फूड में या जल में कैलोरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ी बहुत कैलोरीज होती हैं, लेकिन जब हम उस फूड को या फ्रूट को जब खा के उसमें अपनी एनर्जी बर्न करते हैं ना, तो हम उससे ज़्यादा, जितनी उसमें थी ही नहीं, उससे ज़्यादा एनर्जी हम बर्न कर देते हैं। तो उसको थर्मोजेनिक इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नंबर वन पे तो क्यूकम्बर ही आता है, क्योंकि वो बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत लो इन कैलोरी है और समर्स का तो मतलब उसको किंग बोलते हैं, क्योंकि वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके स्टमक को बहुत फिल करके रखता है, फुल रखता है। तो अगर आप खाना खाने से पहले एक खीरा एक टमाटर खा लेते हैं तो आप एक रोटी पक्का से कम खाते हैं। तो अपनी डाइट में आप खीरे को ऐड करिए, वो नंबर वन पर है। अगर आप वेट लॉस डाइट पर हो तो आप खीरा खाइए। नेक्स्ट फूड टमेटोज हैं। टमेटोज भी बहुत कम कैलोरी के होते हैं, बहुत रिच इन आयरन होते हैं, जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी को भी आप रिड्यूस कर सकते हो टमेटोज का इंटेक करके। तो इसको तो हम बहुत तरीके से कंज्यूम करते ही हैं इंडियन कल्चर में। तो इसका सूप बना के, वेजिटेबल्स में रोस्ट करके, आप सैलेड में, हर तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। तो टमेटो आप ऐड करिए। इसके अलावा नेक्स्ट फ्रूट है वाटरमेलन। वाटरमेलन भी बहुत अच्छा समर फ्रूट है, क्योंकि ये बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा हाई फाइबर है, बहुत हाई इन वाटर कंटेंट है, जिसकी वजह से ये आपको शुगर, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनको भी रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो लो जीआई फ्रूट बन गया है। मतलब उसमें हमारे इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये डायबिटीज़ पेशेंट भी थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं। और बहुत स्वीट होने की वजह से टेस्ट बर्ड्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वाटरमेलन का आप इंटेक करिए, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत लो होती है, पेट को फुल बहुत अच्छे से रखता है। तो अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो आप वाटरमेलन का इंटेक करिए। और इसके अलावा नेक्स्ट फ्रूट है पपाया, क्योंकि पपाया भी लो इन कैलोरीज है और बहुत फुलर रखता है। डायबिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, बहुत हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में। तो आप पपाया का इंटेक कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं, तो ये भी बहुत हेल्प करेगा आपको वेट लॉस करवाने में। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट फ्रूट है खरबूजा या मस्क मेलन। तो वो भी हाई एंड फाइबर है, वो भी समर फ्रूट है, गर्मियों में बहुत अच्छे से इजीली मिल जाता है, बहुत इकोनॉमिक फ्रूट है, बहुत सस्ता फ्रूट है, जिसकी वजह से ये हर आदमी के अप्रोच में भी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप डेली की डेली इसको कंज्यूम कर सकते हैं और अपने जो वेट लॉस डाइट है उसमें भी बहुत अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो बीट रूट है। तो बीट रूट भी आयरन डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। अगर बीट रूट टमेटो कैरेट का अगर आप सूप बना के पीते हैं या जूस बना के पीते हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपका जो डायबिटिक प्रॉपर्टी होने की वजह से यह हमारे स्टमक को क्लीन करने का काम कर देता है। इसके अलावा बहुत लो इन कैलोरी है और इसके अलावा ये हमारी स्किन को ग्लो करवाता है। बीट रूट में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी रुक जाता है। तो आप बीट रूट डेफिनेटली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट फ्रूट या वेजिटेबल घिया है या बॉडी गार्ड जिसको बोलते हैं। तो वो भी बहुत लो इन कैलोरी और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा रेकमेंड की जाती है, क्योंकि घिया में भी क्या होता है कि कैलोरी बहुत कम है और बहुत फुल करके रखता है आपको, और बहुत ज़्यादा विटामिंस और मिनरल्स होने की वजह से आपकी स्किन को भी ग्लो कराता है। और जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए भी जो बॉडी गार्ड या घिया बहुत हेल्प करता है, तो उन्हें भी डाइट में ये रेकमेंड किया जाता है। तो आप घिया भी डाइट में डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत लो इन कैलोरीज है। तो कई बार तो शाम को अगर आप सिर्फ घिया की सब्जी अगर बना के खा लेते हैं तो भी आप आराम से अपने स्टमक को भी फुल रख सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। तो घिया अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए। और इस तरीके से ही सेम ही अगर आप देखते हैं तो आप तोरी है, घिया है, कैप्सिकम है, इस तरीके की वेजिटेबल्स में कैलोरीज बहुत कम हैं और ये हमें फुल बहुत ज़्यादा देर तक रखते हैं और बहुत अच्छा फाइबर होने की वजह से ये हमें फुल रखते हैं। तो इसलिए इन सब फ्रूट और वेजिटेबल्स को आप डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और अच्छा खासा वेट लूज करिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।